क्या हाल आप सबका, मैं उम्मीद करता हूँ कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, डंकी के टीजर को आए हुए यानी कि ड्रॉप वन को रिलीज हुए हुए एक दिन फर्स्ट 24 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और भाई इन फर्स्ट 24 आवर्स में डंकी के टीजर ने जो व्यूज लिए हैं ना भाई, अच्छे अच्छों की आंखें खुल गई हैं। मतलब जब कल टीजर आया तो आते साथ कोई रिकॉर्ड नहीं क्रिएट किया, ना ही भाई साहब सबसे जल्दी 1 मिलियन व्यूज हुए, ना ही सबसे जल्दी 1 लाख लाइक्स हुए। मतलब कि स्टार्टिंग में 1-2 घंटे के अंदर कोई भाई साहब रिकॉर्ड नहीं बना। इवन के फर्स्ट 6 आवर तक, पहले 6 घंटों तक कोई रिकॉर्ड नहीं बना। व्यूज कम थे, पहले 6 घंटों तक 6-7 मिलियन व्यूज थे मे बी, या इससे भी कम होंगे, मतलब मुझे अब याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन जो भी है बहुत कम व्यूज थे। तो इवन कि मैंने भी समझा थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे पता था, लेकिन बाकी सब ने बोला कि टीजर फ्लॉप, ये हो गया वो हो गया। लेकिन मैंने आपको बोला था कि भाई ये एक और टाइप की फिल्म है भाई, डंकी वो एक्शन टाइप की या मतलब थ्रिल सस्पेंस वाली फिल्म है, लेकिन एक्शन जॉनर जो है मास मसाला ये वो नहीं है, ये एक क्लास फिल्म है। और क्लास फिल्म का जब भी कंटेंट आता है तो वो एज अ टेस्ट मैच आता है। मतलब आप समझिए कि जो मास मसाला वाली फिल्म्स होती हैं ना, वो आते साथ ना छक्के चौके लगाना स्टार्ट कर देती हैं, लाइक वो समझिए T20 मैच होता है। बट गाइस, ये जो डंकी टाइप फिल्म है ना, ये टेस्ट टाइप फिल्म है, ये स्लोली 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 बढ़ती जाती है ये सिनेरियो। तो ऐसा ही हुआ भाई साहब, मतलब जैसे ही सबसे पहले टीजर आया कोई व्यूज नहीं, कोई रिकॉर्ड्स नहीं, सारे फैंस शाहरुख खान के परेशान, भाई क्या हो रहा है, कोई व्यूज नहीं है, इतने कम व्यूज, क्या हो क्या रहा है। बट अभी जब फर्स्ट 24 आवर्स कंप्लीट हुए हैं ना, तो मैं आपको बताता चलूं, डंकी भाई साहब जितनी भी हिंदी मूवीज के टीजर आ चुके हैं ना, हिंदी मूवीज नॉट दैट, जितने भी हिंदी मूवीज के टीजर आ चुके हैं ना, डंकी सेकंड नंबर पे आ चुकी है जिसने सबसे ज्यादा व्यूज गेन किए। नंबर 1 पे आदि पुरुष है, और मैं कहता हूं आदि पुरुष रहेगी उसकी। अब देखिए, आदि पुरुष की ये रीजन नहीं है कि आदि पुरुष बहुत बड़ी फिल्म थी, उसका जिस टाइप का टॉपिक था ना रामायण भाई साहब, जस्ट उस टॉपिक की वजह से भाई साहब उसके टीजर को सब लोगों ने देखा था, क्योंकि गाइस एक टोटली यूनिक वो फिल्म बनने जा रही थी इंडियन फिल्म हिस्ट्री में। दैट्स व्हाई सबसे तेज गाइस उस पे व्यूज आए थे, सब ने देखना चाहा था कि क्या होने वाला है। दैट्स व्हाई भाई साहब आदि पुरुष का टीजर, क्योंकि आदि पुरुष एक बॉलीवुड फिल्म है तो उसका हिंदी टीजर नंबर 1 पे है, लेकिन नंबर 2 पे डंकी आ चुकी है। अब अगर हम आदि पुरुष को साइड पे करें तो भाई डंकी नंबर 1 पे आ चुकी है, जिसके हिंदी टीजर पे सबसे ज्यादा व्यूज हैं। अब कितने व्यूज हैं वो कंप्लीट मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप सबको मैं आपको बता चलूं, आप में से बहुत से भाई पूछ भी रहे थे कि आप तो कह रहे थे कि डंकी के टीजर का इवेंट होगा तो किधर इवेंट हुआ। तो भाई इवेंट हुआ, शाहरुख खान ने खुद होस्ट किया, मेरा भाई शाहरुख खान थे, राजकुमार हिरानी थे, उन्होंने फैंस के साथ वो टीजर भी देखा। अब गाइस उसके अंदर बहुत सी कमाल बातें हैं, मैंने वो पूरा गाइस इवेंट देखा, मतलब उसको लाइव तो नहीं चलाया गया बट मुझे मिल गया, मैंने गाइस वो पूरा इवेंट देखा। अब गाइस उस इवेंट पे राजकुमार हिरानी ने भी बहुत कुछ बोला, शाहरुख ने भी बहुत कुछ बोला, और भी अब गाइस उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी जो उन्होंने बोला ना, वो मैं एक काम करता हूं, वो मैं वीडियो लास्ट में डाल देता हूं। मतलब मेरी ये वीडियो जैसी अभी मैं आपको टीजर के 24 आवर्स की व्यूज बताऊंगा ना, उसके बाद ना जो इवेंट पर बातें हुई मैं उसकी वीडियो लगा दूंगा, तो जिन लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग देख लीजिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है, और जिन लोगों ने देख ली तो आप ना बेशक वीडियो स्किप कर देना। तो अभी कितने व्यूज है कंप्लीट देखते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक किसने करना है, मैंने तो नहीं, आपने, जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस मैं आपको बताता चलूं, डंकी के टीजर पर पहले 10 घंटों के अंदर, एक मिनट मैं जरा गाइस चेक कर लेता हूं, हां डंकी के गाइस टीजर पर फर्स्ट 6 आवर्स पहले 6 घंटों के अंदर ऑलमोस्ट 3.8 मिलियन व्यूज थे एंड 4,50,000 लाइक्स थे। उसके बाद 10 घंटों में 9 मिलियन व्यूज थे, उसके बाद 13 आवर्स में 20 मिलियन व्यूज थे। नोट दैट 10 आवर्स में 9 मिलियन, 13 आवर्स में 20 मिलियन, बीच के 3-4 घंटों में ऑलमोस्ट 10 मिलियन व्यूज आ गए। और जब गाइस 10 आवर्स में 9 मिलियन व्यूज थे, तब डंकी का टीजर ट्रेंडिंग नंबर 1 नहीं था, लेकिन जैसे ही डंकी के टीजर को 13 आवर्स कंप्लीट हुए 20 मिलियन व्यूज आए, तो डंकी का टीजर ऑल ओवर द वर्ल्ड भाई
सब, मतलब पूरे इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड निकल गया, ऑल ओवर द इंडिया, पूरे के पूरे इंडिया में नंबर वन पे ट्रेंडिंग पर आ गया। उसके बाद फर्स्ट 24 आवर्स, पहले 24 घंटे के अंदर डंकी के टीजर पर 36.80 मिलियन व्यूज आए हैं, 36.80 मिलियन व्यूज, 8,30,000 लाइक्स। मेरा भाई देखिए, मैं आपको क्लियर कट बता दूं, डंकी लाइक्स को लेकर ना कुछ लोग बोलेंगे कि लाइक्स इतने कम क्यों, भाई डंकी एक क्लास फिल्म है, एक्शन, देखिए आज का जॉनरा है मास मसाला एक्शन टाइप फिल्म, भाई जिसको कोई एक शॉट भी अच्छी लगी वो फौरन से लाइक करता है, लेकिन डंकी एक टेस्ट मैच है, एक क्लास फिल्म है, जब ये थिएटर में आएगी तो उस टाइम आप लोग एक दफा कहोगे कि ये क्या है भाई साहब, तो अभी लाइक्स को मैटर नहीं करता, कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन व्यूज जरूर मैटर करते थे, जो कि चले गए हैं 36.80 मिलियन और भाई साहब 8,30,000 लाइक्स। और इसी के साथ अगर मैं आपको मोस्ट व्यूड हिंदी टीजर बताऊं इन 24 आवर्स, तो आदि पुरुष नंबर वन पे है 68 मिलियन व्यूज, नंबर टू पे आ गया डंकी 36.80 मिलियन व्यूज, नंबर थ्री पे है मैदान 29.53 मिलियन, नंबर फोर पे है एनिमल भाई साहब 22.62 मिलियन, उसके बाद है नंबर फाइव पे साहू। यार प्रभास की दो मूवीज हैं, वाह साउथ का स्टार है, दो मूवीज हैं, तो साहू 22 मिलियन और भारत 21 मिलियन मेरा भाई। तो खैर दोस्तों, अब आप लोग मुझे बताएं, डंकी के टीजर ने सबकी आंखें खोली, कैसा दिया, नहीं दिया अच्छा है, यही बोल रहे होंगे कि डंकी के मेकर्स, मैंने आपको बोला था ना तबाही सीन होने वाला है। और एक बात और, ये जो डंकी का टीजर था ना, आप फर्स्ट टाइम देखते हो आपको ये कोई वाइब से नहीं देता, लेकिन आप इस टीजर को 2 से 3 बार देखते हो ना, आपको एक एक चीज वाइब देने लग जाएगी। सबसे पहले तो डंकी का स्टार्ट ही वो जो इमोशनल गाने से होता है ना, सारे पैसे मेरा भाई, और उसके पीछे आप लिरिक्स देखना भाई, इतने हार्ट टचिंग वो लिरिक्स है ना, फिर उसके बाद कॉमेडी सब कुछ भाई साहब, मतलब जहां पर जैसे ही वो टीजर आया तो सब बोल रहे थे एक नेगेटिव, ये वो फ्लॉप, अब वही सारे बोल रहे हैं कि कमाल बवाल धमाल। सो मिलते हैं 20, अच्छा एक बात और, डंकी के मेकर्स ने रिलीज डेट नहीं बताई 21st या 22nd, सिर्फ लिखा क्रिसमस 2023। सो अब देखते हैं कि ये लोग कौन सी रिलीज डेट पर आते हैं, 21st या 22nd। बाकी गाइस अभी आप लोग वो वीडियो देखें जो कल इवेंट पर हुई, जो सारी बातें हुई, बाकी अभी तक के लिए इतना ही मेरी तरफ से, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और अगली अनुमति करके थैंक्स फॉर वाचिंग। वन यंग एक्टर परफॉर्मिंग और एक बड़ा लंबा मोनोलॉग था, ऐसे यार ये कौन है यार, ये दिस इज सो वंडरफुल, और ये बड़ा एक्टर नहीं है, तो मैं पास आउट होकर निकलूंगा और मैं इस पर साइन कर लूंगा, दैट वाज शाहरुख इन सर्कस। मुझे निकलने में 2 साल लगे फिल्म इंस्टीट्यूट से, तब तक ये इतने बड़े बन चुके थे कि कोई चांस ही नहीं था कि मेरे साथ काम करें। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, जब राजू मुन्ना भाई मुझे बता रहे थे हम कहानी में, कहा यार नया डायरेक्टर है कर ही लेगा, मैं बोलूँगा 6 महीने बाद 8 महीने बाद कर लेंगे, तो मैं कहा यार 9 महीने बाद करेंगे, तो ही चला गया। फिर 3 इडियट्स के लिए आया, तो मैं कहा यार अभी भी इतना बड़ा क्या हुआ होगा यार, मैं और भी बड़ा हो गया हूँ। जब ये 3 इडियट्स के लिए चले गए, मैं समझ गया इनसे चांस नहीं लेने का, तो इस बार कोविड में मैंने इनको बबल में ही पकड़ के रख लिया, मैंने कहा यार प्लीज इस बार मत जाना, ये फिल्म मेरे साथ बनाना, दूसरे हीरोज से भी नहीं मिलने दिया मैंने राजू को, अभी भी अलाउ नहीं कर रहा हूँ कि डालना दे किसी को एक गेस्ट अपीयरेंस में। तो मेरी स्टोरी ये है, हम दोनों के दोनों इतने बड़े हो गए एक दूसरे के लिए कि थोड़ा टाइम लग गया, अब हमने बहुत ही प्यारी और छोटी सी